न्यूज सिर्फ सच। सोनभद्र के कौन थाना क्षेत्र के कौन से करौंदी मार्ग पर स्थित घटिया पुल के नीचे पांडू नदी में नवजात का शव कपड़े से बांधकर फेंका हुआ मिला। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई और इलाके में सनसनी फैल गई। डाला में वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर शहीद स्थल बस स्टैंड के पास रविवार दोपहर ओवरब्रिज से जा रहे पानी के टैंकर से तेज रफ्तार टाटा न्यू फोर्स वाहन की जबरदस्त टक्कर हो गई। इससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना में टाटा न्यू फोर्स का चालक धनंजय घायल हो गया। चालक का कहना था कि न्यू फोर्स वाहन को झारखंड से दिल्ली लेकर जा रहा था, मोड़ पर पानी का टैंकर आ जाने से दुर्घटना हुई। टैंकर वाला मौका देखकर फरार हो गया। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर मारकुंडी घाटी के तीसरे मोड़ पर तेज ढलान के चलते ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रक प्रतापगढ़ से ईंट लादकर जा रही थी। चौपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी घाटी के तीसरे मोड़ से नीचे उतरते समय रफ्तार तेज हो गई। यह देख खलासी ने छलांग लगा दी। चालक और सहचालक ट्रक के साथ 150 फीट गहरी खाई में जा गिरे। ऊंचाई से गिरने के चलते ट्रक के परखच्चे उड़ गए और चालक और सहचालक की मौत हो गई। मरने वालों में 26 वर्षीय अशफाक और 25 वर्षीय मोहित पांडे शामिल हैं। सोनभद्र बार एसोसिएशन के चुनाव में शनिवार को मतगणना हुई। शाम को घोषित परिणामों में ओम प्रकाश पाठक अध्यक्ष पद पर 469 वोट पाकर विजयी रहे। दूसरे स्थान पर रमेश राम पाठक रहे, उन्हें 268 मत मिले। महामंत्री पद पर लालता प्रसाद पांडे और कोषाध्यक्ष पद पर अनिल कुमार सिंह विजयी रहे। अनपरा थाना क्षेत्र के खजुरा गांव में रविवार सुबह 8 बजे ईंट पहुंचाकर लौटते समय ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे 25 वर्षीय रमेश कोल की दबकर मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। विंध्याचल थाना क्षेत्र के कुटिया घाट पर शनिवार सुबह मामा भांजे की गंगा में डूबकर मौत हो गई। मुंबई निवासी 30 वर्षीय इमरान अपनी बहन की ससुराल मक्सी खूब आया हुआ था। उसकी दूसरी बहन की शादी भैरव कंतित में हुई है। शनिवार सुबह 11 बजे इमरान भैरव कंतित से 12 वर्षीय भांजे सोहेल और 16 वर्षीय सानिया के साथ नागकुंड के समीप कुटिया घाट गया था। वहां सेल्फी लेने के चक्कर में सानिया गंगा में गिर गई। उसे बचाने के लिए इमरान और सोहेल दोनों नदी में कूदे। सानिया तो बाहर निकल आई, पर सोहेल और इमरान का पता नहीं चला। एटलस साइकिल कंपनी के क्लोन चेक के जरिए 22 लाख रुपए उड़ाने वाले दोनों जालसाज पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एसपी मनीष तिवारी ने शनिवार को बताया कि शहर कोतवाली के समीप प्रतिष्ठित पंजाब नेशनल बैंक की सिविल लाइंस शाखा के ग्राहक संजय सोनकर ने 16 दिसंबर को फर्जी चेक से 9,35,210 रुपए जमा किए थे और उसी दिन 8 लाख रुपए निकाल लिए थे। 18 दिसंबर को उसने फिर 12,07,620 का चेक जमा किया। दोनों एटलस कंपनी हरियाणा के थे। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक ने जब जानकारी ली तो पता चला कि दोनों ही चेक एटलस कंपनी ने जारी ही नहीं किए थे। बैंक प्रबंधक ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। लंबी तफ्तीश के बाद पुलिस ने संजय सोनकर और उसके साथी कटरा कोतवाली क्षेत्र के टटहाई निवासी रवि साहू उर्फ राजू को गिरफ्तार कर लिया। संजय को याचक सोनभद्र के दुग्धी निवासी विनय ने दिए थे। पुलिस विनय और उसके साथी रमई पट्टी निवासी अशोक की तलाश कर रही है। मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के असरफाबाद गांव निवासी वाहन चालक धर्मेंद्र की शादी जमालपुर थाना क्षेत्र के मठना गांव निवासी रामदुलार सिंह की पुत्री संगीता देवी के साथ हुई थी। संगीता के कुल 3 बच्चे हैं। धर्मेंद्र आए दिन शराब पीकर संगीता के साथ मारपीट करता था और उसका चाल चलन भी ठीक नहीं था। काफी प्रयास के बाद भी पति नहीं सुधरा तो संगीता ने शनिवार की रात खाना खाने के बाद अपनी पुत्री 9 वर्षीय कोमल को जहरीला पदार्थ खिला दिया और खुद भी खा लिया। सुबह दोनों ही मृत मिले।
रोहनिया पुलिस ने ग्राम बंदेपुर के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक बोलेरो और एक स्विफ्ट कार से 32 पेटी दारू बरामद की है। यह दारू बिहार ले जाई जा रही थी। गाड़ी से बिहार के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों ने पुलिस के रोकने पर वाहन की रफ्तार बढ़ा ली थी, पर लाठिया चौराहे पर जाम होने के चलते उन्हें रुकना पड़ा। वहां पर चालक और खलासी भागने की कोशिश कर रहे थे, पर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। वाराणसी के मड़ुआडी थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के पास रविवार सुबह 8 बजे तेज रफ्तार पिकअप ने आग ताप रहे 5 लोगों को रौंद दिया। इससे 55 वर्षीय अमरनाथ, उनका 18 वर्षीय बेटा दीपू, 5 वर्ष के हर्ष और स्वाति, 6 वर्षीय खुशबू गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। वहां अमरनाथ, दीपू और हर्ष को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि स्वाति और खुशबू का इलाज चल रहा है। पिकअप चालक मौका देखकर फरार हो गया। आक्रोशित लोगों ने वाराणसी इलाहाबाद मार्ग पर जाम लगा दिया। मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दिलाने के लिखित आश्वासन के बाद दोपहर 1 बजे रास्ता खोला जा सका। अमरनाथ दाना भूंजकर घर चलाता था, वहीं दीपू एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था।